कॉलोनी का विकास करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। किसी को कोई जानकारी नहीं, मैं कह रहा हूँ काम शुरू हुआ अच्छा है, लेकिन वो कंटिन्यूटी में होना चाहिए। आप ऑफिशियली कहते हैं कि भाई रोड आपकी बन जाएगी, आप अपनी 5-4 लोगों की कमेटी बना दो सबके बारे में। तो अभी भी हर आदमी का अलग सोच होती है, हर आदमी का अलग आइडिया होता है, सबको सोच के तो नहीं चल सकते। आप यहाँ पे 15 लोग 20 लोग है, अगर हरेक को सुनेंगे तो कभी भी काम नहीं होगा। लेकिन आप लोगों में से बैठ कर एक हमने कुछ नाम तय किए हैं, आप लोग तय करो, कमेटी बनाओ, उनकी सजेशंस लो, उसके हिसाब से काम करें। एक्शन को मैं बोलता हूँ, वही आएगा। अंजू जी कहाँ से आए हो? मैं सैनिक कॉलोनी से आई हूँ। आज MCF पहुँचे हो, क्या कारण है? एक ही मुद्दा है, सड़कें और सीवरेज। कितनी दिक्कतें हो रही हैं? जबरदस्त। तो आज क्या क्या आश्वासन मिला है? कुछ मिला है, देखते हैं आगे। यहाँ से तो मिल जाता है, आगे नहीं होता है कुछ भी, सही ढंग से नहीं होता है। मतलब आज हर चीज़ को, एक छोटी छोटी चीज़ को पॉलिटिकल में बदल दिया जाता है, उसको पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया जाता है, बना दिया जाता है। हम चाहते हैं कि आप मीडिया वाले हमारी आवाज़ बन के बनकर आ गए, एक बार हमें जो हमारी नेसेसिटीज़ हैं, हमारी जो जैसे हवा पानी बिजली सड़कें, इस चीज़ को आप हमारे साथ दें और हमारी आवाज़ को बुलंद करके आप प्रशासन तक पहुँचाएँ। एक बार अगर आप कॉलोनी में आके सर्वे करें, वीडियो बनाएँ, उसको अपडेट करें, तो सरकार को प्रशासन को तब पता चलेगा कि हम लोग किस परेशानी में से निकल रहे हैं। कोई अपना घर बार छोड़कर नहीं आता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हम फंसे होते हैं तभी हम यहाँ आते हैं। हमें कोई राजनीति तो करनी नहीं है, हम आम पब्लिक है ना, हमने कोई वोट लेने हैं ना, हमने कोई इलेक्शन जीतना है, हमें सिंपल सी प्रॉब्लम है तभी हम यहाँ आते हैं। अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है तो हमें आने की जरूरत ही नहीं है। क्या नाम? मेरा नाम अल्पना बासु है, मैं जे ब्लॉक से बिलोंग करती हूँ, पूरी सैनिक कॉलोनी जे ब्लॉक है। पूरी सैनिक कॉलोनी में रोड का बुरा हाल है और हमारा कमीशन साहब ने जो अभी वादा किया है हमारे को कि ये सब समस्या का समाधान किया जाएगा, एक अफसर को हमारे साथ भेज रहे हैं विजिट के लिए, तो हम लोग उस चीज़ से सेटिस्फाइड हैं। लेकिन हमारी उम्मीद यही है कि काम एक तरीके से किया जाए, पहले सीवरेज लाइन डाली जाए फिर रोड बनाई जाए। कॉलोनी एक पहले एक पॉश कॉलोनी मानी जाती थी, फैक्ट्रियों से बढ़िया कॉलोनी मानी जाती थी, VIP लोग रहते थे, पुलिस की सिक्योरिटी। आज ये सैनिक कॉलोनी में न पानी है, न रोड है, न सीवर है। सीवर ओवरफ्लो होता रहता है, जहाँ देखो वहाँ सीवर ओवरफ्लो हो रहता है, लोगों को एकदम नरक बना दिया रहने का। जब से ये सैनिक कॉलोनी MCF में आ गई है तब से हमारी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई। जिन्होंने बोला है कि चेक करेंगे वहाँ जाके, ठीक है, लेकिन अभी हकीकत में जब बदलेगा, जब इस चीज़ को विश्वास कर जाएगा। सैनिक कॉलोनी समस्याओं का घर है, पानी की समस्या है, कुछ हद तक हल हुई है, अभी हल की जानी बाकी है। सड़कों की बहुत भारी समस्या बनी है, सीवर लाइनों की समस्या है, सफाई कर्मचारियों की समस्या है, आवारा पशुओं की समस्या है, बंदर हैं, सांड हैं, कुत्ते हैं। ये समस्याओं के संबंध में हमने कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया है आज, तो ये लोग आए हैं और ये इस उम्मीद के साथ आए हैं कि इस पे कोई अच्छा काम आगे होगा। अच्छा, आपने ज्ञापन दिया तो कमिश्नर साहब ने क्या आश्वासन दिया है? कमिश्नर साहब ने कहा है कि मैं अभी आपके साथ जो कंसर्न हमारे एक्शन हैं उनको मार्क किया है, उनको बुलाया है, वो हमारे साथ अभी आ रहे हैं, श्याम सिंह जी सामने ही, वो जाएंगे और मौके पे लोगों की बातों को सुन के काम किया जाएगा। आप एक बार पहले भी आए थे, अभी लगभग एक महीने पहले आप AMC मैम से मिलके गए थे, वैशाली शर्मा जी से मिले थे, पानी के मुद्दे पे मिले थे हम, तो क्या और सड़कों के मुद्दे पे मिले थे हम, और गंदे पानी की जो जल भराव हमारा हुआ पड़ा है उसके मुद्दे पे हम मिले थे। उसमें पानी की समस्या पे थोड़ा बहुत बेहतर, क्योंकि जब से लाइन जुड़ी है थोड़ा काम हुआ है, लेकिन अभी भी पूरा काम किया जाना बाकी है, क्योंकि वो पाइप लाइन जो बाईपास करनी थी जिससे कि पानी की चोरी रुकती और सैनिक कॉलोनी को एक पूरा पानी मिलता, उस पर काम नहीं हो पाया अभी तक। तो ये ऐसी समस्याएं हैं, हमारा काम समस्याओं को ख़त्म करना है, ना कि ऊपरी तौर पे ये दिखाना कि भाई पाइप डल गए हैं। लीपा पोती करने से कभी समस्याएं हल नहीं होती, उनको जड़ से ही ख़त्म करना पड़ता है।
क्या लगता है सर कि इस बार समाधान होगा, क्योंकि पहले भी 3 दिन का समय लिया गया था नगर निगम की तरफ से जब आप पिछली बार आए थे? मैडम, हमेशा अच्छे के बारे में सोचना चाहिए और एक पॉजिटिव रुख के साथ लोग अपनी आए हैं, लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं, कमिश्नर साहब खुद आए हैं, उन्होंने हमारा मेमोरेंडम लिया है, तो जाहिर सी बात है कि हम कोई अच्छा इसमें संतोषजनक हल निकल पाए। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।